हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा अवेटेड कंपैरिजन, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास है अमेजफिट बिप यू और रियलमी स्मार्ट वॉच। और गाइस इन दोनों वॉच का हम करने वाले कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा वॉच ज़्यादा वर्थ है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर की, जो है कंपैटिबिलिटी। सो यहाँ पे अमेजफिट बिप यू स्मार्ट वॉच कंपैटिबल है एंड्रॉयड के साथ भी और आईफोन्स के साथ भी, और जो रियलमी वॉच है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल है यहाँ पे एंड्रॉयड के साथ। सो यहाँ पे रियलमी वॉच की जो कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। सो भाई यहाँ पे क्लियर विनर है अमेजफिट बिप यू स्मार्ट वॉच। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। सो यहाँ पे दोनों भी स्मार्ट वॉचेस में आपको देखने मिलती है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे स्ट्रैप्स की अगर बात करें तो अमेजफिट बिप यू के जो स्ट्रैप्स है काफ़ी आसानी से आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो, बट यहाँ पे जो रियलमी स्मार्ट वॉच की स्ट्रैप है उसे रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका जो नॉब है काफ़ी अंदर की साइड पे है, वॉच के अंदर उन्होंने उसे प्लेस किया है। बाकी अगर टोटल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बैक पैनल पर आप देख सकते हो जो रियलमी वॉच है वो इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है, जबकि अमेजफिट बिप यू यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एंड प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको बिल्ड देखने मिलती है। सो ओवरऑल दोनों के बिल्ड की बात करें तो रियलमी भी काफ़ी अच्छी बिल्ड देता है, बट अमेजफिट बिप यू यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट होता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। गाइस फिर हम बढ़ते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे जो रियलमी वॉच है इसमें आपको देखने मिलता है 1.4 इंच का डिस्प्ले, और जो अमेजफिट वॉच है उसमें आपको देखने मिलता है 1.43 इंच का डिस्प्ले। रियलमी वॉच में उन्होंने यहाँ पे LCD डिस्प्ले का यूज़ किया है, जबकि अमेजफिट में आपको TFT डिस्प्ले देखने मिलता है। सो अमेजफिट के जो कलर्स है या फिर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पावर कंजम्पशन भी काफ़ी लो है TFT डिस्प्ले की एज़ कम्पेयर टू LCD डिस्प्ले। और यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात करें तो अमेजफिट का रेजोल्यूशन है 320x302 पिक्सल्स और रियलमी का रेजोल्यूशन है 320x320। रियलमी में यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन देखने मिलता है, और यहाँ पे अमेजफिट की बात करें तो अमेजफिट में आपको देखने मिलता है 2.5D कर्व ग्लास विथ एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग। सो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में अमेजफिट यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, कलर के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में, और ओवरऑल डिस्प्ले भी इसका काफ़ी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू रियलमी वॉच, और ओवरऑल भी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे भी आपको अमेजफिट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगी। बढ़ते हैं उसके अगले फैक्टर की तरफ, जो है बैटरी। सो यहाँ पे रियलमी में आपको देखने मिलते हैं 160 mAh की बैटरी, जो आपको 7 डेज़ का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे 7 डेज़ का बैटरी बैकअप है विदाउट कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग। और यहाँ पे अमेजफिट में आपको 225 mAh की बैटरी देखने मिलती है, जो 9 डेज़ तक लास्ट करती है विद कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग, क्योंकि इसमें आपको PAI का फंक्शन देखने मिलता है। तो कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग के साथ काफ़ी बढ़िया बैटरी आपको देखने मिलती है अमेजफिट में देन रियलमी स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में भी अमेजफिट बिप यू काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो है सेंसर। सो यहाँ पे रियलमी में आपको देखने मिलता है 3 एक्सिस एक्सेलरेशन सेंसर, उसी के साथ आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने मिलता है, SpO2 लेवल्स देखने मिलते हैं। और यहाँ पे अमेजफिट की अगर मैं बात करूँ तो अमेजफिट में आपको देखने मिलता है 6 एक्सिस एक्सेलरेशन सेंसर, बायो ट्रैकिंग आपको देखने मिलता है, हार्ट रेट सेंसिंग, ऑप्टिकल सेंसर उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हार्ट रेट ट्रैकिंग के लिए, PAI का फंक्शन आपको देखने मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, SpO2 लेवल्स भी आपको इसमें देखने मिलते हैं, प्लस इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी देखने मिलता है। सो यहाँ पे फीचर्स और सेंसर्स के मामले में जो अमेजफिट है उसमें आपको कई सारे फीचर्स और सेंसर्स भी देखने मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू रियलमी वॉच। और अगर मैं इन दोनों के SpO2 का बात करूँ तो SpO2 मैं बोल सकता हूँ दोनों भी वॉच पे आप रिलाय नहीं रह सकते SpO2 के लिए। सो गाइस यहाँ पे बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अमेजफिट यहाँ पे क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें आपको कई सारे सेंसर्स और काफ़ी एक्यूरेट ट्रैकिंग देखने मिलती है। गाइस फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की। तो यहाँ पे रियलमी वॉच में आपको देखने मिलता है टोटल 14 स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने मिलते हैं। और यहाँ पे अमेजफिट की बात करें तो अमेजफिट में आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड देखने मिलते हैं, जिसमें आप देख सकते हो अदर में जाओगे तो आपको कई सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड देखने मिलते हैं, जहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह भी उन्होंने इंक्लूड किया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड की बात कर ही दी है हैं, तो यहाँ पे मैं स्विमिंग की बात करना चाहता हूँ। सो जो Realme वॉच है वो आपको देखने मिलता है IP68 वाटर रेजिस्टेंट, जो 1.5 मीटर तक ही वाटर को रेजिस्ट करता है, जबकि यहाँ पे Amazfit वॉच है 50 मीटर्स तक वाटर रेजिस्टेंस, जिसमें आपको अलग से स्विमिंग का एक स्पोर्ट्स मोड भी देखने मिलता है। सो भाई स्पोर्ट्स मोड की यहाँ पे अगर बात करें तो Realme वॉच में आपको इतने सारे स्पोर्ट्स मोड देखने नहीं मिलते हैं, जबकि Amazfit में यहाँ पे उन्होंने कई सारे 60+ डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड इंक्लूड किए। तो भाई फिटनेस फ्रीक्स जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं क्लियरली Amazfit Bip U स्मार्ट वॉच के साथ। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब बहुत सारे लोग वॉच फेसेस के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे Realme स्मार्ट वॉच में आपको देखने मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 वॉच फेसेस, जो काफ़ी डिसेंट है। और यहाँ पे Amazfit की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 50+ वॉच फेसेस आपको देखने मिलते हैं। सो भाई यहाँ पे भी Amazfit में ही आपको कई सारे डिफरेंट वॉच फेसेस देखने मिलते हैं, जिन्हें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सो यहाँ पे भी क्लियर विनर Amazfit ही है। सो हर एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो हर एस्पेक्ट से यहाँ पे जो Amazfit वॉच है वो क्लियर विनर है। बैटरी के मामले में हो गया, डिस्प्ले के मामले में हो गया, स्पोर्ट्स मोड के मामले में हो गया, या फिर ट्रैकिंग के मामले में हो गया, तो ये एक कंप्लीट परफेक्ट स्मार्ट फिटनेस ट्रैकिंग वॉच आप इसे बोल सकते हो Amazfit को, जबकि Realme वॉच को कई सारे इंप्रूवमेंट्स करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब कंपैटिबिलिटी, उन्होंने यहाँ पे एंड्रॉयड से लेके आईफोन यूजर्स तक भी कंपैटिबिलिटी देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड को देखिए यहाँ पे काम नहीं चलेगा। सो भाई अभी हम आते हैं इन दोनों की प्राइसिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो Realme वॉच है वो अभी करंटली आपको अवेलेबल मिल रहा है 2999 रुपीज़ की प्राइस में, और जो Amazfit Bip U स्मार्ट वॉच है वो आपको मिल रहा है 3499 रुपीज़ की प्राइस में। सो यहाँ पे एनी टाइम Amazfit Bip U स्मार्ट वॉच मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा। सो भाई अगर किसी को इन दोनों भी स्मार्ट वॉच में से कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।